लखीमपुर खीरी कांड एडीसी कानून व्यवस्था बोले तेजी से जांच की गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला, सीएम योगी बोले गांव आत्मनिर्भर होगा तो बापू का सपना साकार होगा। बड़ा हादसा टला, इंटरसिटी एक्सप्रेस का पेंटो टूटा, ट्रैक पर उतरकर भागने लगे यात्री, अफरा तफरी। नगर निकाय चुनाव के लिए मिली 10,326 ईवीएम, तैयारियां शुरू। पुलिस ने सट्टेबाज अंकुश मंगल पर की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। कोचिंग की बालकनी में खड़े 3 लोग, एचडी लाइन की चपेट में आए छात्र की मौत, 2 झुलसे। फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या और डकैती में 4 गिरफ्तार, आरोपियों में हिस्ट्री सीटर और महिला भी शामिल। दिल्ली आबकारी नीति मामले पर भाजपा ने एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो किया जारी, लगाए ये आरोप। दिल्ली का दरिंदा, महिला को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कार्रवाई की मांग की। डीओ में दाखिले के लिए 50,000 से अधिक पंजीकरण, इस बार कट ऑफ में छात्राओं को नहीं मिलेगी छूट। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर बांगरवा उन्नाव से, क्षेत्र में बीते मंगलवार की रात से आज शाम तक रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। बारिश से किसानों का सिंचाई के रूप में भारी धनराशि की बचत हुई है। हल्की लेकिन समुचित बारिश होने को लेकर किसानों के चेहरे पर आज मुस्कान नजर आई। बीते मंगलवार की रात से यहां हल्की बारिश हुई है और आज शाम तक छुटपुट बारिश होती रही। किसानों के अनुसार धान, मक्का, मूंगफली और दलहनी फसलों के लिए बारिश समुचित हो गई है। बारिश से किसानों की एक सिंचाई हो जाने से डीजल के रूप में लाखों रुपए की बचत हुई है। इसके अलावा आलू किसानों को भी बारिश का लाभ मिला है। आलू किसान खेतों की जुताई करने में जुट गए हैं। क्षेत्र में ग्राम शिवपुरी निवासी मक्का फसल के किसान रही सिंह ने बताया कि बारिश न होने से उनकी 5 बीघा फसल सूख रही थी और वह 2-4 दिनों में मक्का फसल के सिंचाई की योजना बना रहे थे, लेकिन बारिश हो जाने से उसका करीब 5,000 रुपए कीमत के डीजल की बचत हुई है। इसी प्रकार ग्राम चहलहा निवासी अवधेश शर्मा के अनुसार बीती रात और आज दिन में बारिश में सबसे बड़ा लाभ धान किसानों को हुआ है। बारिश के भाव के चलते धान की फसल में लपेटा रोग लग गया था। इस रोग से फसल बर्बाद हो सकती थी, लेकिन बारिश हो जाने से रोग की बढ़ोतरी रुक जाएगी और अब किसानों को कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। उधर दलहनी फसलों के किसान राकेश यादव निवासी माखन खीरा ने बताया कि उसकी करीब 3 बीघा मूंग और उड़द की फसल खड़ी है। फसल के फूल निकलने के बाद बालियां बनना शुरू हो गई है। ऐसे उपयुक्त समय में बारिश का होना बेहद लाभकारी है। अब बालियां में दाना जल्दी भरना शुरू हो जाएगा। तो मिलाकर बारिश से सभी फसलों के किसानों के चेहरे पर खुशी की लकीरें हैं। किसानों को आशा है कि यदि थोड़ी बहुत और बारिश हो गई तो सभी फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी। रिपोर्ट जमीर खान। खबर उन्नाव से, जनपद भ्रमण के दौरान माने मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश श्री जितेन प्रसाद, माने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल तथा माने राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नवाबगंज पक्षी विहार का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर माने मंत्री समूह द्वारा बताया गया कि पक्षी विहार का पूरा विकास कराने के साथ ही चारों ओर बाउंड्री कराई जाएगी, जिससे कि बाहरी लोगों अनाधिकृत प्रवेश न कर सके और जनपद के अतिरिक्त आसपास से भी पर्यटक आ सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जो लोग भी शिथिलता बरतेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मंत्री समूह द्वारा यहां पर आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी, जिसमें डीएफओ ने बताया कि यह एक वेटलैंड क्षेत्र है। यहां पर बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष विदेशी पक्षी आकर प्रवास करते हैं। झील के अंदर जलकुंभी होने पर मंत्री समूह द्वारा नाराजगी जताई गई तथा निर्देश दिए गए कि इस जगह को साफ सुथरा रखा जाए ताकि पर्यटक यहां आकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा सके। इस दौरान मंत्री महोदय द्वारा झील डियर पार्क का भी भ्रमण किया गया, जहां पर हिरणों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने कहा कि यहां पर पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि जनपद में यह आकर्षण का केंद्र बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। खबर बांगरवा उन्नाव से, स्थानीय इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर सदानंद राय की अध्यक्षता में हिंदी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हिंदी भाषा की महत्ता तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सदानंद राय माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य श्री राय ने हिंदी का अत्यधिक प्रयोग करने तथा उसको जीवन में उतारने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया।
हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिग्विजय नारायण ने हिंदी भाषा की उपयोगिता और हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। आम जनमानस की भाषा हिंदी कैसे बने, इस पर सभी प्राध्यापकों ने अपने अपने विचार रखे। विद्यार्थियों ने वासुदेव, उज्जवल, माया, मोई, आकांक्षा आदि ने भी अपने विचार रखे। 1 सितंबर से 15 सितंबर मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत छात्र छात्राओं को मास्क वितरित किए गए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु जागरूक किया। इस अवसर पर डॉक्टर रंजना सिन्हा, किरण धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी, अभय राजपूत, शैलजा त्रिपाठी, डॉक्टर सुमन देवी, डॉक्टर बर्ज किशोर गुप्ता के अलावा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इसी क्रम में क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर रूड़ी स्थित श्री विशंबर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय में भी हिंदी दिवस पर सभी प्राध्यापकों ने अधिक से अधिक हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय द्वारा आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर नलिन कुमार सिंह ने कहा, क्योंकि हिंदी हम सबकी राष्ट्रभाषा है और भारत देश के अधिकांश क्षेत्र हिंदी भाषी है, इसलिए राष्ट्र का विकास हिंदी के संवर्धन से ही संभव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा का विकास ही राष्ट्र गौरव है। डॉक्टर मनीष बाजपाई एवं डॉक्टर नवनीत कौर ने भी हिंदी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कृतिमा बीबीए, पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विभू सिंह बीबीए व द्वितीय स्थान सचिन वर्मा तथा तृतीय स्थान नीतू सिंह बीए ने प्राप्त किया। रिपोर्ट जमीर खान। शेरकोट थाने में थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने पत्रकारों के साथ की मीटिंग। थाना शेरकोट के प्रांगण में एसओ सत्येंद्र सिंह ने पत्रकारों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नगर को साफ सुथरा रखने के लिए अपराधों पर अंकुश लगे पत्रकारों से सहयोग की अपील की। एसओ ने कहा कि जुआखोरी, नशाखोरी पर काबू पाने के लिए आसपास मोहल्लों, गलियों, देहात में जहां भी इस तरह की वारदात होती है उसकी खबर पुलिस प्रशासन को दें, जिससे हम सूचना के आधार पर तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकें और बिगड़ते हुए समाज, खासकर युवा वर्ग को इन गलत रास्तों से रोकने में जल्दी सफल हों। हमें समाज को सुधारने के प्रयास में लगे रहना चाहिए। किसी के सज्जन के सामने कोई परेशानी आती है तो वह निसंकोच अपनी शिकायत हम तक पहुंचाए, हर संभव समाधान किया जाएगा। मीटिंग में मुख्य रूप से सत्येंद्र सिंह थाना इंचार्ज के अलावा शहर इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, हेड मुहर्रिर आदि, पुलिस स्टाफ और गणमान्य पत्रकार बंधु डॉक्टर एम क्यू मलिक, सैफ मंसूरी, अरमान सैफी, अमित कुमार, खालिद पठान, मेहताब अजीम, अदनान राइन, डॉक्टर नईमुद्दीन इदरीशी, कृष्ण कुमार, शाहनवाज खान, इंतजार मंसूरी, शुभम, सुशील कुमार, मोहम्मद इमरान, दिलशाद अहमद, सोहेल इदरीसी, जयपा अफरीदी, मोहम्मद शादान आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। पीड़िता आई एसएसपी के द्वार, लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता का पति नहीं रखने को तैयार। पीड़िता का कहना है कि अगर उसका पति नहीं रखना चाहता तो उसको जीविका उपार्जन के लिए खर्चा दे। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। उन्होंने और उस बच्चे को भी बताया जा रहा है कि मार दिया है और इनको उन्होंने छोड़ दिया है। अब इनके पति इनसे जो है रखने को नहीं है तैयार, तो ये बालिका जो है पति से क्षुब्ध होकर आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वार लगाई है न्याय की फरियाद। इन्होंने जानते हैं इनसे क्या प्रकरण है पूरा। प्रकरण यही है, पहले तो मेरे बच्चा को मार दिया, एक साथ 3 दिन का था। फिर उसने घर से निकाला मेरे को, लड़के से 10-15 दिन बाद। अब उसने शादी कर ली। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ का है, घर है ससुराल, वहाँ का है मखदूम फार्म का। मखदूम, हाँ। रेक के पास आपकी शादी हाँ, हुई थी और हाँ, आपका मायका कहाँ पर है? मायका यहाँ पे है। अब क्या चाहती हो डीएम और एसएसपी साहब के पास आप आई हो? मैं यही चाहती हूँ, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा हाँ। तो आला अधिकारी क्या कह रहे हैं मामले को लेकर? अभी तो कुछ नहीं, कुछ नहीं जवाब दिया है, 4 साल हो गए जी। तो यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो क्या करोगी? क्या करूँगी, बैठे आराम से, कुछ नहीं हो रहा है, 4 साल हो गए। क्या नाम है आपका? आशु। तो आपने जाना आशु नामक ये बालिका आई मथुरा के जिला मुख्यालय और लगाई है न्याय की फरियाद। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि देखिए ये बालिका कुछ और कहना चाहती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं मर जाना चाहती हूँ। इंसाफ नहीं दोगे तो यही होगा, फिर क्या होगा? तो इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर आप आत्महत्या करती हो तो? तो ये बालिका बता रही है कि हमको अगर न्याय नहीं मिला तो हमको बाध्य होना पड़ेगा आत्महत्या के लिए।
अब देखते हैं कि मथुरा ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश भारत की जो महिलाएं हैं वो न्याय से वंचित हैं, और इसी तरीके से ये अबला नारी कब तक इस तरीके से जो है पीड़ित प्रशासनिक गलियारों में अपनी न्याय की गुहार लगाती रहेगी, देखते हैं। आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। गोवर्धन रोड स्थित अंगूरी फार्म हाउस के प्रबंध निदेशक मुरारी लाल उपाध्याय जी से रूबरू हुए आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता। मुरारी लाल उपाध्याय जी ने जनमानस को संदेश दिया कि पितृ पक्ष में अपने माता पिता को भोजन कराएं। पितृ ये जो बनाया है बुजुर्ग आदमियों ने बनाया है, एक साल के बाद हमारे बड़े बूढ़ों ने ये रखा है। पितृ क्या है जो भूल जाता है, रोजिना भली चनिया रोटी नहीं निकाले, वैसे तो कायदा में रोजिना निकालनी चाहिए, नहीं निकालता है तो 15 दिन में हमारे बुजुर्ग आदमियों के लिए जो भी है उसके श्रद्धा के अनुसार सुबह ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और चनिया निकालनी चाहिए, ये हमारे समाज कहता है और ये हमारा समाज कहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सब इस पर ध्यान दें और जो सेवा नहीं करता है वो नरक की ओर भोगे। चलिएगा, और आगामी निकाय निर्वाचन भी नज़दीक है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से गणेशरा से पार्षद की दावेदारी कर सकते हैं। हम भागलपुर से हम पार्षदी के लिए उम्मीदवार हैं। आप बीजेपी से लड़ेंगे या? आप स्वयं हैं, आप उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी है ना, और सूबे में भाजपा की सरकार से टिकट मिलती है तो हम जरूर लड़ेंगे, टिकट नहीं देती है सरकार तो हमें कोई। चलिएगा, तो ये रहे थे जनपद की जानी मानी शख्सियत हैं मुरारी लाल उपाध्याय जो कि गणेशरा रोड के रहने वाले हैं। और पीड़िता आई एसएसपी के द्वार अपने खेत पर गई तो दबंग लोगों ने पीड़िता का पीछा कर उसके साथ की छेड़खानी, पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई तो आई एसएसपी कार्यालय। कहाँ रहता है वो? इंचरी में रहता है। तो कोतवाली वृंदावन पुलिस से आपने नहीं कही? कही, एक दिन बंदर लगा फिर। क्या चाहते हो एसएसपी साहब से आप? जो मतलब दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। आपका नाम क्या है? नाबालिग युवती को बहला फुसला कर शादी रचाई पीड़िता आई अपने माँ बाप के साथ न्याय की गुहार लगाने एसएसपी के द्वार, देखिए आरपीएस समाचार पर एसएसपी कार्यालय से। जो है बहला फुसला कर इनके साथ की गई थी शादी, और वो लोग जो हैं दबंग किस्म के हैं, क्षेत्र में उनका आतंक व्याप्त है, और अब आए हैं ये मथुरा के एसएसपी साहब के पास है ना। क्या आपसे जाने, आप ही की जुबानी है ना, आप ये बताओ इस बालिका को बेला फुसला कर विवाह किया गया था, वो थाना हाईवे के रहने वाले हैं लोग, क्या मामला है पूरा? शादी कराई थी उन्होंने लड़की की, लक्ष्मी उसके पति का नाम है रघुनाथ सिंह और राजेश सिंह, दोनों ने मिलकर शादी कराई और जबरदस्ती शादी कराई उन्होंने, अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मथुरा के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं अभिषेक सिंह यादव जी, उनके पास आए हो, आप क्या चाहते हो? हम उनसे कार्रवाई चाहते हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाए। चलिएगा, वो इंद्रपुरम कॉलोनी में रहती हैं है ना? इंद्रपुरम कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा है, बताओ कि आपने थाना हाईवे पुलिस को अवगत नहीं कराया? हमने कराया था, वहाँ पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एसएसपी साहब के पास आए हो, एसएसपी के पास? आपका नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार। आप भी इंद्रपुरम कॉलोनी में रहते हैं? और क्यों, हम ये बालिका की माँ हैं और आपसे हम जाने, आपकी शादी को कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? 20 साल हो गए। बताओ, 20 साल हो गए? 20 साल हो गई। तो कैसे मतलब वो लोग आपके संपर्क में कैसे आए थे और कैसे मतलब शादी का झांसा देकर इस बालिका को विवाह उत्सव में मतलब शादी कराई गई थी? ये नाबालिग की शादी थी, ये लड़की स्कूल में पढ़ती थी जी, पढ़ने के साथ साथ उसकी भतीजी थी, भतीजी के साथ जाती थी और भतीजी के द्वारा ही मतलब इन्होंने मतलब कराया था। आपका नाम क्या बताया? शैलेंद्र कुमार।
तो ये रहे थे शैलेंद्र कुमार जो कि थाना हाईवे इंद्रपुरम कॉलोनी के रहने वाले हैं। खबर बिजनौर से, लकड़ी काटने जंगल गई महिला 33,000 लाइन की चपेट में आई, मौके पर ही दर्दनाक मौत। आपको बता दें पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के टीमला जाफरपुर नहर का है। लकड़ी काटने जंगल गई महिला 33,000 लाइन की चपेट में आई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ में गई अन्य महिलाओं ने परिजनों को दी सूचना। सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मौके पर पहुंचे राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। फिर संजय कुमार थाना प्रभारी अपने कांस्टेबल के साथ पहुंचे और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।